हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेटिक ड्रग्स इन फार्मा। ये सेकंड पार्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि क्या क्लासिफिकेशन रहता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। नाउ वी विल डिस्कस डायरेटिक ड्रग्स, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं, इसके यूजेस क्या रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ द डायरेटिक्स इज माइल्ड। बीपी फॉल्स बाय 15 to 20 mmHg ओवर 2 to 4 weeks। एंटी हाइपरटेंसिव डायरेटिक्स जो ड्रग्स रहती है उसका जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट रहता है वो बहुत माइल्ड होता है, और ये बीपी को 15 to 20 mmHg के लेवल को कम कर सकती है, कम कर देती है। एंड ये कंटिन्यू कितना ये कब होता है, जब अपन 2 से 4 weeks तक इसका यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स और क्या करती है, डायरेटिक इनहेंस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। डायरेटिक जो ड्रग्स है वो एक्सक्रीशन करती है सोडियम एंड वाटर का, जिसके रिजल्ट क्या मिलता है अपने को कि जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और प्लाज्मा का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, गिर जाएगा, फॉल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अगर बॉडी के अंदर सोडियम जो है, बॉडी सोडियम जो है अगर वो कम हो जाएगा तो उसके कम होने से क्या होगा, मसल्स रिलैक्सेशन हो जाएगी, कौन सी, वस्कुलर मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। वस्कुलर मसल्स को रिलैक्स होने पर क्या होगा, जो PVR है, पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, वो भी कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है बीपी भी डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डायरेटिक्स ड्रग्स जो है उसका यूजेस क्या है, तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपन, कार्डिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्रॉनिक रिनल फेलियर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इडिमा हो रहा है तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है उसकी बात करें तो इसकी वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपर यूरेसीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये बात करी थी अपन ने डायरेटिक्स ड्रग्स की। नाउ अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सिम्पेथोलाइटिक्स। सिम्पेथोलाइटिक्स के अंदर अपन ने देखा था कि जो क्लोनिडिन ड्रग्स है, जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स है, उसकी क्या वर्क रहता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, क्या एडवर्स इफेक्ट रहते हैं। तो क्लोनिडिन सबसे पहले बात करते हैं अपन, क्लोनिडिन, क्लोनिडिन की बात करें तो क्लोनिडिन जो ड्रग्स रहती है उसका जो वो रहता है, ये जो ड्रग्स होती है वो सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट होती है। और क्या करते हैं, ये क्या करती है, स्टिमुलेशन करती है अल्फा टू रिसेप्टर का, कहाँ पे, CNS के अंदर। और क्या करती है, ये डिक्रीज करती है सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, और क्या करती है, ब्लॉक करती है रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन का, नॉरएड्रेनालिन जो होता है उसके रिलीज को ब्लॉक कर देती है। अब इसके क्या एडवर्स इफेक्ट रहते हैं, इसकी एडवर्स इफेक्ट रहते हैं कि ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है, ड्रॉसीनेस रहता है, ट्रीमर्स, स्वीटिंग्स एंड हेडेक। यूजेस क्या हैं इसके, तो इसके यूजेस हैं माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ किया जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है, और एनेस्थेटिक कंडीशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड ड्रग्स की बात करें तो सेकंड जो ड्रग्स है वो होती है अपनी ट्राइमेथाफैन। ट्राइमेथाफैन जो ड्रग्स है वो गैंग्लियन ब्लॉकर्स ड्रग्स है, ठीक है, जो क्या करती है, ब्लॉक करती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियन को, जिसका रिजल्ट क्या रहता है कि जो सिंपैथेटिक टोन होती है वो कम हो जाती है, और सिंपैथेटिक टोन अगर कम हो जाएगी तो बीपी भी जो है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, कि ये क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट वही है कि ये दोनों ही गैंग्लियन को ब्लॉक कर देती है, लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको ओनली गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है। कि ट्राइमेथाफैन का यूज़ ओनली कहाँ किया जाता है, केवल गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अंदर, और नाउ डेज में इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स।